अगर आपने यहाँ पे एक न्यू लैपटॉप परचेस किया था और आपने अपने लैपटॉप में कोई यूज़र नेम अकाउंट सेट किया था, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि आप उस यूज़र नेम अकाउंट को किस तरीके से चेंज करना है, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। बिकॉज़ आज मैं यही कवर करूँगा कि आप अपने यूज़र नेम अकाउंट को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। वैले जो प्रोसेस है एकदम ईजीएस्ट है, और आज का वीडियो स्पेशली मैं बिगिनर्स लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ, बिकॉज जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें ये सब प्रॉब्लम छोटे मोटे फीचर्स के बारे में मोस्ट प्रॉब्लम नहीं पता होता है। आफ्टर ऑल बिकॉज मैं भी कभी कभी अपनी लाइफ में बिगिनर था, तो मुझे इस टाइप की वीडियोस नहीं मिलते थे, राइट। तो आज मुझे ये सब पता, तो आज मैं शेयर करना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो इस प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च बार में कंट्रोल पैनल का जो फीचर है उसे फाइंड आउट करना होगा, और सिंपली यहाँ पे कंट्रोल पैनल के फीचर में आपको एंटर करना है। देन टॉप साइड में आपको एक यूज़र अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे टॉप साइड में चेंज द अकाउंट नेम का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है एक न्यू यूज़र अकाउंट। तो यहाँ पे जो भी यूज़र नेम अकाउंट को आप यहाँ पे रखना चाहते हैं वो सिंपली आपको एक बॉक्स में पेस्ट कर देना है। देन इसके बाद चेंज द नेम पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे सेट करेंगे आपका यूज़र नेम अकाउंट यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, लेकिन लॉक स्क्रीन पे अपडेट करने के लिए आपको पीसी को करना होगा रिस्टार्ट। जैसे आप रिस्टार्ट कर देंगे आपका लॉक स्क्रीन पे आपका जो यूज़र नेम अकाउंट है वो आपको चेंज हुआ दिख जाएगा। सो है यू गो, इसी तरीके से आप यूज़र नेम अकाउंट चेंज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।